Uh, welcome students once more. let's take scene passages of the poem the trees written by adrian rich. now standard number first. the trees inside are moving out into the forest. the forest that was empty all these days where no bird could sit, no insect hide, no sun buries feet in shadow, the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन यस नेम द पोयम फ्रॉम विच दिस टेंजा हैज बीन टेकन तो आपको नाम बताना है उस पोयम का जहां से ये स्टेंजा है वो लिया गया है आंसर इज द नेम ऑफ द पोयम इज ट्रीज दिस टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम दिस टेंजाज फ्रॉम दी पोयम दीज ये स्टेंजा दीज पोएम से लिया गया है सेकेंड क्वेश्चन हु रोड दिस टेंजा ये स्टेंजा है वो किसने लिया है एड्राइन रिच रोड दिस स्टेंजा और दिस पोयम अगर स्टेंजा हो तो स्टेंजा लिख देना पोयम हो तो पोएम लिख देना एडराइन रिच ने ये स्टेंजा या ये पोयम लिखी है थर्ड क्वेश्चन वेर आर दी ट्रीज मैंशन इन दिस पोयम इस पोएम में जो ट्रीज मैंशन किए गए वो कहां पर है द्रीज ओके okay, यहां पर दी ट्रीज एस लगाना पड़ेगा जो ट्रीज हैं दी ट्रीज मैंशन इन दिस पोयम आर इन दोइस हाउस जो ट्रीज इस पोयम में मैंशन किए गए हैं वो पोइटस के घर के अंदर हैं वेयर आर दी ट्रीज मूविंग अहेड जो पेड़ हैं वो किधर की तरफ है वो जा रहे हैं दी ट्रीज आर मूविंग अहेड टर्ड्स द फॉरेस्ट पेड़ है वो जंगल की तरफ फॉरेस्ट की तरफ है वो जा रहे हैं वेन विल द फॉरेस्ट बी फुल ऑफ ट्रीज फॉरेस्ट है वो पेड़ों से कब भर जाएगा द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज इन द मॉर्निंग सुबह सुबह जो फॉरेस्ट है वो पेड़ों से भर जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन वाई कुड नो बर्ड इट इन फॉरेस्ट क्या है कि कोई भी पक्षी है वो फॉरेस्ट के अंदर है क्यों नहीं आ पाएगा आई हैव टू रोल इट Why could नो बर्ड सिट इन the फॉरेस्ट नो बर्ड could सिट इन the फॉरेस्ट एज the forest इज no empty नाउ कोई भी पक्षी फॉरेस्ट के अंदर नहीं रह पाएगा क्योंकि जो पेड़ है जो जंगल है वो बिल्कुल खाली हो जाएगा घर है वो खाली हो जाएगा जो वहां पर बना हुआ था वाई कुड नो इंसेक्ट इन दी हाइड इन दी फॉरेस्ट कोई भी इंसेक्ट है वो फॉरेस्ट के अंदर क्यों नहीं छुप पाएगा नो इंसेक्ट कुड हाइड इन दी फॉरेस्ट एज द फॉरेस्ट इज एमटी नाउ कोई भी पक्षी है वो कोई भी इंसेक्ट है वो फॉरेस्ट के अंदर नहीं छुप पाएगा क्योंकि जो घर है ये वो अब पेड़ों से खाली हो जाएगा और फॉरेस्ट है वो अब बिल्कुल खाली है वट डज दोइ वॉन्ट टू कन्वे और से इन दीज लाइन्स स्टेट इन दीज लाइन्स पोइटर्स है वो इन लाइनों में क्या कहना चाहती है द पोइट वॉन्ट टू से दैट है ये कहना चाहती है दैट फ्रीडम इज ए मस्ट फॉर इवन ट्रीज की फ्रीडम है वो सबके लिए जरूरी है सो स्टूडेंट्स आई हैव डन सिक्स सेवन क्वेश्चन ऑन दिस टेंजर लाइक वाइज क्वेश्चन विल बी आस्ट ओके ऐसे ही क्वेश्चन है वो आपको पूछे जा सकते हैं देस में भी इन डिफरेंट लैंग्वेज वो थोड़ी अलग लैंग्वेज में हो सकते हैं बट आई थिंक दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन विल हेल्प यू इन लॉड नो स्टेंजर नंबर टू ऑल नाइट द रूट वर्क टू डिस्नेस डेमसेल्स फ्रॉम दी क्रैक इन दी वेरेंडा फ्लोर द लीज ट्रेन टुअर्ड्स द्लास स्मॉल ट्विथ स्टिफ विथ एक्सर्शन लॉन्ग क्रेम बोस शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज मूविंग टू द्लिनिक डोर नौ नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई दोयम फ्रॉम विच दिस टेंजा हैज बीन टेकन तो अपने पोयम को आइडेंटिफाई करना है जिसमें से ये स्टैंडा लिया गया है तो इसमें आंसर रहेगा द द नेम ऑफ पोयम इज द ट्रीज सेकंड क्वेश्चन हु दिस पोयम ये poem किसने लिखी है एडराइन रिच रॉड दिस पोयम थर्ड इज हाउ आर द ट्रीज मूविंग टू द फॉरेस्ट पेड़ हैं वो किस प्रकार से मूव कर रहे हैं द ट्रीज आर मूविंग वेरी स्लोली टू द फॉरेस्ट ट्रीज हैं वो बहुत धीरे धीरे है वो जंगल की तरफ जा रहे हैं वट डज रश टू मीट द ट्रीज कौन सी चीज पेड़ों को मिलने के लिए जा रही है द विंड रशिज टू मीट द ट्रीज हवा है वो पेड़ों को मिलने के लिए उनका स्वागत करने के लिए जा रही है वाई डी विंड रश टू मीट दी ट्रीज हवा है वो पेड़ों को मिलने के लिए क्यों जा रही है दी विंड रश टू मीट दी ट्रीज टू वेलकम देम हवा है वो पेड़ों को इसलिए मिलने के लिए जा रही है क्योंकि वो उनका स्वागत करना चाहती है क्वेश्चन नंबर सिक्स वाइट डज दो कंपेयर विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज पोइटस है पेड़ की जो ब्रांचेज है उसकी तुलना किसके साथ करती है दी पोएटेस कंपेयर दी ब्रांचेस ऑफ द ट्री विद न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट फ्रॉम दी क्लिनिक जो पोएटेस है वो पेड़ों के हिलने की या उनके मूव करने की जो मूव करने की जो गति है उसकी तुलना उन रोगियों के साथ कर रही है जो न्यू जो क्लिनिक से हॉस्पिटल से अभी अभी डिस्चार्ज हुए हैं और जो कि वेरी वेरी वीक ओके दीज नॉट वॉक दे कैन नॉट वॉक प्रॉपरली वो बिल्कुल प्रॉपरली वॉक नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दे आर लैकिंग एनर्जी क्योंकि उनमें एनर्जी नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई दी पोइटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच इन लाइन तो आपने फिगर ऑफ स्पीच है वो आइडेंटिफाई करना है लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज तो इस लाइन में पोइटिक डिवाइस है वो बताना है फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है अलंकार बताना है अपने. तो क्या है 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 दी फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली सिमिली तो तो यहां पर का यूज वो हुआ हुआ स्टूडेंट दीज आर दीज आर टू स्टेंजर्स ऑफ दिस पोयम नेक्स्ट टू स्टेंजर्स विल बी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ठीक है आपको एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकते हैं आपको जस्ट वन आंसर वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं तो एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होंगे ओके दीज आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रैक्टिस ओके दैट आई विल डू इन दी नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी मच हैप्पी टीचिंग हैप्पी लर्निंग एंड इफ यू लाइक माय वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल सब्सक्राइब इट ऑल्सो थैंक यू सो मच एंड हैव नाइस डे